मुंबई से सटे ठाणे में पिछले 3 दिनों से चल रहे व्याख्यान माला में दहशतवाद पर चर्चा करने बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे, जहां उनका स्वागत करने भाजपा विधायक संजय केलकर और माधव भंडारी पहुंचे। दरअसल पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि इस्लाम के नाम पर कुछ लोग भारत 20% लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। अगर आतंकवाद का नामो निशान मिटाना है तो सभी को एकजुट होकर जवाब देना होगा। पेश हमारे ठाणे के संवाददाता की खास रिपोर्ट। तो आतंकवादियों को नंबर 1 किसी हालत में समझौता नहीं करनी चाहिए, कंडहार से हमें सीखना चाहिए। कोई भी लिपापोती करके बात करने से होने वाला नहीं है, और उसके लिए लड़ाई करनी है तो लड़ाई करने के लिए भी तैयार होनी चाहिए। हम तो छेड़ेंगे नहीं लड़ाई के लिए, परंतु तो वो छेड़ेंगे हमें तो फिर हम पूरा रास्ता जाएंगे। कारगिल में हम पीछा कर सकते थे परंतु हमने छोड़ दिया था, कहा अच्छा भागो भागो। 71 में पश्चिम पाकिस्तान को ध्वस्त करने की स्थिति में थे परंतु हमने कहा नहीं, और उनके 1,00,000 सेना से जवान को जो जेल में रखा था उसको हमने उनको छोड़कर भेज दिया। इस बार पाकिस्तान तो कोई पुराना देश तो नहीं है, अंग्रेजों ने बनाई थी, उसमें बलूचिस तो चाहते भी नहीं थे, उनको जबरदस्ती सेना भेज के उनकी नेताओं की हत्या करके उन्होंने किया। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये दिल संकल्प होनी चाहिए। इस बार वो जो तो लड़कों ने बच्चों ने जाकर ये किया और कमाया, अब हमने इस जाली नोट को रद्द करवा दिया तो सारा शांत है कश्मीर में, लोग स्कूल में जाने लगे, बस चलने लगे, बेचारे बच्चे क्या जानेंगे। परंतु ये लोग ऐसा कर रहे थे, हमारे देश में कोने कोने में किसी तरीके से लोगों को यहां मुसलमान के समुदाय से लेकर उनको जाकर ट्रेनिंग देने की प्रयास हो रही है। आज इस्लामिक को लेकर जिस तरह से पूरे देश को एक होना है, आज इस्लामिक आतंकवाद के लिए
इलाके में। देखिए इस्लामिक आतंकवादी इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने चाहते हैं और मुस्लिम में से रिक्रूट लेने चाहते हैं, ये हम होने नहीं देंगे। और उसमें कई चीजों को दोनों साइड को समझना चाहिए। अब निश्चित तौर पर ये एक प्राचीन संस्कृति है और एक समय में था हम 100% हिंदू थे और जो बाहर से आए यहाँ आक्रमण की और उन्होंने जबरदस्ती की उससे धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन मूलतः तो हम एक ही लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं आतंकवादी ये आए, वो चाहते हैं कि उनको ये मंशा बनाए कि हम बाहर से आए हैं, हम गोरी गजनी के औलाद हैं और इससे घृणा पैदा होगी और उसमें से विभाजन आएगी, उसका फायदा होगा। तो हमें सही इतिहास की पुस्तक लिखकर जो वास्तविकता है वो बतानी है। शिवाजी हिंदू राष्ट्र बनाई परंतु उनका कमांडर इन चीफ तो मुस्लिम था, आपको पता है। तो और जब हमने 1857 में मुक्त किया भारत को थोड़े दिन के लिए, उस समय बहादुर शाह को हमने बादशाह बनाया। तो हमारे कोई मुस्लिम से नफरत नहीं है, परंतु मुस्लिम जरूर विदेशी संस्कृति पर जो लोग लगे हुए हैं उनको धकेलने के लिए उसको नहीं चाहते। हम कहते हैं तुम्हारी संस्कृति यही है, हमारी संस्कृति है। आप भले आपकी उपासना पद्धति हो सकती है कि आप मस्जिद में जाकर प्रार्थना करेंगे। डिमोनेटाइजेशन इज ऑलरेडी सक्सेसफुल 50% एंड इट इज गोइंग टू बी 100% सक्सेसफुल आफ्टर सम टाइम। Illegal notes and rules. What is the second one? The second one is that the black money which was outside the system should be reduced to pieces of, ruddy paper, and we should now have accountable money. And you said something quick and all, or what is that quick money? Quick? You said you are in a hurry and fast food and something. बिग नेम सोनिया गांधी का तो नाम वैसे भी नेशनल हेरल्ड में कन्या कुमारी से लेकर अभी तक हर एक आदमी परेशानी थी, साथी हो उनको बीजेपी का परिणाम भुगतना पड़ेगा ऐसा लगता है क्या? अब ऐसा कोई मनस नहीं बनी, लोग सब कहते हैं कि जो कदम उठाया आपने सही उठाया है, लेकिन इसको ठीक करो, इसको ठीक कर रहे हैं। नागरिकों से क्या आह्वान करना चाहेंगे, जो परेशान है उनसे क्या आह्वान करें, जो रातों रात एटीएम पे लाइन लगा रहे हैं बैंक के सामने लाइन लगा रहे हैं? हम तो कहते हैं तो हम तुम्हारे दुख में हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिविजुअल भ्रष्टाचार किया है उसको बंद करना है। राम मंदिर